तो सिस्को पैकेट ट्रेसर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी आप लोगों ने थ्योरी जरूर पढ़ी होगी इसकी, लेकिन इसको बनाना आसान भी है और ये कहें कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो हम लोग रिंग टोपोलॉजी किस तरीके से इसमें डिजाइन कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप रिंग टोपोलॉजी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है, और जब आप रियलिटी में कंप्यूटर्स के साथ रिंग टोपोलॉजी बनाएंगे तो आपको उसको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो रिंग टोपोलॉजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूं कि यहां पर सबसे पहले मैं, जैसे कि हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस लेते हैं, तो हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस ले लेते हैं। नेटवर्क डिवाइस में हम लोग जाएंगे और स्विचेस पे क्लिक करेंगे। स्विच में हम लोग यहां पर फिर से हम लोग लेने वाले हैं वही पीटी स्विच, और इसको मैं अब मार्क कर देता हूं। यहां हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी चार स्विचेस की, और चार स्विचेस की हम लोग यहां पर रिंग बना रहे हैं। तो चार पीटी स्विच पहले मैं ले लेता हूं, एक दो, और ये तीसरा ले लिया मैंने, और एक और मैंने ले लिया है यहां पर। तो ये चार स्विचेस हमारे पास आ गए हैं। अब आपको पता ही होगा ये हमें स्विचेस को कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन पे हम लोग जाते हैं और यहां पर हम लोग कॉपर क्रॉस ओवर केबल का यूज करेंगे। तो कॉपर क्रॉस ओवर केबल से हम लोगों ने पहले इसको इसको कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और आपस में एक रिंग बनाने एक बना देंगे। तो ये जो रिंग है इसी को हम लोग कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। अब इससे हम लोग कंप्यूटर कनेक्ट करने वाले भी हैं, और उनके आईपी देने के बाद हम देखेंगे कि इसमें डेटा कैसे हमारा ट्रेवल हो रहा है इस टोपोलॉजी में। चलिए, तो ये हमारी एक रिंग बन गई है। अब हमको आवश्यकता है एंड डिवाइसेस की, और एंड डिवाइसेस पर हम जाते हैं। यहां पर हम लोग इसमें ये पीसी है, तो चार पीसी में जोड़ देता हूं। एक पीसी यहां लगा दिया है, एक पीसी इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे, एक पीसी को हम लोग इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे, और एक पीसी को इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे। अगला टास्क क्या है, कनेक्शन पर जाते हैं। कनेक्शन पर लेने के बाद यहां पर हमको कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए। ये क्रॉस केबल ली थी हमने, ध्यान रहे। और कंप्यूटर को जब स्विचेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए। स्विचेस स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है तो क्रॉस ओवर केबल से करना है। चलिए, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसको टू नंबर से। फिर से मैं केबल पिक करता हूँ, और इसको इससे कनेक्ट करने के बाद इस केबल को कनेक्ट कर दिया इससे। यहाँ हम लोग लेते हैं इसको, और फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ से इससे कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारी अब हमारी रिंग टोपोलॉजी बन के तैयार हो गई है। अब जैसा कि अगला काम है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इन कंप्यूटर्स को एक आईपी असाइन करना है, सभी कंप्यूटर्स को आईपी असाइन करना है। तो फटाफट से हम लोग आईपी असाइन कर देते हैं। देखिए, इसको 1 देने वाले हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, यानी 192.168 में 1 2 3 4, 192.168.1.1 देने वाले हैं। इसका सबनेट मास्क किया गया है। इसी प्रकार से ये 0 है, अच्छा ये 1 है, तो इसको मैं 2 देने वाला हूँ। नीचे वाले को 2 दे देते हैं, डॉट 168.1.2। इसको मैं 3 दे देता हूँ, और इसको मैं 4 दे देता हूँ। आप चाहें तो कमांड से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके जीयूआई से हम लोग इसको कर रहे हैं, जो कि काफ़ी आसान है। तो ये देखिए, चारों को मैंने एक एक आईपी अपना प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके आईपी नीचे इसको शो कराने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। वैसे सर आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑप्शन अगर आपको मिल जाए, क्योंकि मुझे इसमें ऑप्शन वो दिखाई नहीं दिया। पुराने वाले सिस्को पैकेट ट्रेसर वो ऑप्शन था, यहाँ पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा है मुझे। .168.1.1 है, इसको हम लोग ले लेते हैं 192.168.1.2। ये नीचे शो होने लग जाए इसलिए मैं इसके यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ नाम को, 92.168.1.3, और इसका नाम बदल देता हूँ मैं 2.168.1.4। चलिए, तो इससे पता चल जाएगा भाई, अरे इसकी केबल कहाँ चली गई भाई, ऐसा कैसे हुआ। फिर से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये हमारी एक पूरी एक कह सकते हैं कि रिंग बन के तैयार हो गई। तो
सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, तो देखिए रिंग बन के हमारी तैयार हो गई है। अब अगला टास्क क्या है, आप चाहें तो इन कंप्यूटर्स को आपस में पिंग करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं पिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो पहले वाले कंप्यूटर को हम लोग 3 वाले से पिंग कर रहे हैं, तो अभी समझ में आ जाएगा हमारा कि हमारी ये जो कनेक्टिविटी है वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और डेस्कटॉप पर जाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर जाता हूँ और यहाँ मैं पिंग करूँगा पिंग 192.168.1.3 को, और देखते हैं ये पिंग हो पाता है कि नहीं। तो देखिए पिंग होने लग गया है, पिंग होने लग गया यानी कि हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल सही बनी है। अगर कारण से पिंग नहीं होता इसका मतलब आपने कुछ गलती कर दी है। अब अगला टास्क क्या कर सकते हैं इसमें, तो अगला टास्क इसमें हम ये कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग ये जो पहला वाला पीसी है उससे हम लोग दूसरे वाले पीसी को वही जो अपने पीडीए पैकेट है वो हम ट्रांसफर करेंगे और फिर दूसरे वाले से तीसरे वाले को करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि इसमें डेटा किस तरीके से अपना ट्रेवल हो रहा है। तो यहाँ पीडीयू पैकेट उठा लेता हूँ मैं, सिंपल पीडीयू पैकेट, और यहाँ से इसको ट्रेवल करवाना है मुझे इस पर। या और कुछ कर सकते हैं नहीं, तो एक काम करते हैं कि ये जो है इससे मैं कराने वाला हूँ इस पर ट्रेवल। ओके, और ये वाला जो है हमारा पीसी, एक और पीडीयू पैकेट हम लोग ट्रांसफर ट्रेवल करवाते हैं, तो ये वाला जो है इससे मैं कराने वाला हूँ सामने वाले पे, और इसका सिमुलेशन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि इसमें पीडीयू पैकेट किस तरीके से ट्रेवल हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिंग टॉपोलॉजी में डेटा कैसे अपना ट्रांसफर हो रहा है, देखिए तो इस सिमुलेशन से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इसकी थ्योरी पार्ट पढ़ के रखा है तो आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो ये थी हमारी रिंग टॉपोलॉजी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और आप भी अब इसको अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर से बना के इजीली देख पाएंगे।